2023 की एक और मच एवेटेड फिल्म थालापति विजय की लियो का ट्रेलर फाइनली भैया जी रिलीज हो गया है, जिसे मैंने भी देख लिया है तमिल लैंग्वेज में विद इंग्लिश सबटाइटल के साथ। तो बात करते हैं लोकेश कनकराज की डायरेक्शन में बनी फिल्म लियो की ट्रेलर का, जिसमें अपन को पहला ही शॉट एकदम खूबसूरत वादियों के बीच कश्मीर शहर का दर्शन कराया जाता है, जहाँ पर एक सीरियल किलर खुलेआम सड़क पर लोगों को मारता फिर रहा है। और जैसा ट्रेलर में दिखाया है, उस सीरियल किलर को भाई ये तो मार ही देता है। जहाँ फिल्म में अपने थालापति विजय सबसे पहले पुलिस ऑफिसर के रोल में होने वाले हैं, पता नहीं फिर उसके बाद कहानी को कैसा ट्विस्ट करके उनको एक बैड एस के रोल में दिखाया जाएगा, जिसकी थोड़ी सी झलक तो भाई अपन ने ट्रेलर में देख ही लिया है। स्पेशली ये कुछ शॉट्स जिसमें थालापति तो बिल्कुल ही बैड एस कैरेक्टर लग रहा है, भाई ये सब तो अपन ने ट्रेलर में देख ही लिया है। लेकिन जब मैं ये ट्रेलर देख रहा था तो मेरा दिमाग ऑटोमेटिक इसका कनेक्शन विक्रम के साथ जोड़ रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ सीन्स देखकर विक्रम की याद आ रही थी। और भाई जैसा कि फैंस ये अटकलें लगा ही रहे थे कि थालापति विजय की लियो एलसीयू का पार्ट होगी या फिर नहीं होगी, लेकिन भाई इस ट्रेलर को देखकर तो ये कंफर्म हो ही गया कि थालापति विजय के लियो एलसीयू का पार्ट होने वाली है। जहां स्पेशली ये वाले शॉट में थालापति विजय अपनी बेटी को गोद में लेकर चेयर पर बैठे हुए दिख रहे हैं, भाई ये वाला सेम शॉट मुझे विक्रम की याद दिला रही थी। विक्रम में भी यही सेम शॉट कमल हसन के साथ दिखाया गया था, अगर शायद आपको याद आ रहा हो तो। एंड उसके बाद कुछ अर्जुन सारजा की ये शॉट्स जो स्पेशली रोलेक्स के याद दिला रहे थे। हालांकि रोलेक्स और एलसीयू की बाकी दोनों मूवी की पुख्ता सबूत तो ट्रेलर में अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन भाई उसके बावजूद बहुत सी सिमिलैरिटीज एलसीयू से मिल रही है। जहां मैं भी लियो के ट्रेलर का ब्रेकडाउन कुछ ही दिनों में लाने वाला हूं, जिसमें मैं पूरी एलसीयू और लियो के बीच में फैन थ्योरी भी आपको बताने वाला हूं। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्टोरी प्रेडिक्शन की जो हमें इस ट्रेलर में देखने को मिला। भाई देखो, सबसे पहले थालापति का कैरेक्टर क्लियर कट पुलिस ऑफिसर के रोल में होने वाला है, जो अपने बीबी और बच्चों के साथ एक मजे सी लाइफ जी रहा है। लेकिन उसी बीच उनकी लाइफ में हो जाता है एक बड़ा सा ट्विस्ट, जहां एक सीरियल किलर लोगों को मारता फिर रहा है खुलेआम। तो ऐसे में लोगों को बचाने के लिए थालापति विजय को मैदान पर उतरना पड़ता है, और उस किलर को मारना ही आखिरी रास्ता बन जाता है थालापति के लिए। अब इस सीरियल किलर का कनेक्शन एंटनी दास और हरोल दास से किस प्रकार का, ये तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन भाई देखकर तो लगता है कि ये सीरियल किलर इन्हीं की टीममेट का होने वाला है। देन उसके बाद थालापति विजय के कैरेक्टर को इस तरीके से दिखाया जाएगा कि वो पब्लिक में बहुत ही गंदी तरीके से बदनाम हो चुके हैं, मीडिया उसको गाली दे रही है, लोग उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं वगैरह वगैरह, जहां पर अपन देख ही सकते हैं कि थालापति विजय के साथ उनकी फैमिली को भी किस तरीके से हरास किया जा रहा है। फिर उसके बाद ये पता नहीं कि मूवी की स्टोरी में अचानक सा इस तरीके का ट्विस्ट आ जाएगा कि थालापति विजय बिल्कुल ही एकदम बैड एस कैरेक्टर में दिखने वाले हैं। फिर तो भाई एकदम ही मास 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 ही मचने वाला है, लोग मरेंगे और मारे जाएंगे बिल्कुल ही थालापति विजय की बैड एस कैरेक्टर के जरिए। एंड भाई मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि थालापति का ये जो बैड एस कैरेक्टर है ना, ये आपको मूवी के सेकंड हाफ में देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पहले हाफ में तो स्टोरी बिल्ड होगी। क्या लगता है थालापति विजय की लियो कितने करोड़ तक की कलेक्शन करेगी? क्या ये गदर 2 और पठान को बीट कर सकती है या फिर नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना अपनी ओपिनियन। और हाँ, मेरी अगली वीडियो लियो के ट्रेलर का ब्रेकडाउन ही होने वाला है, जहां मैं बताने वाला हूँ लियो और पूरी एलसीयू की मूवी के बीच लॉजिकल कनेक्शन के साथ फैन थ्योरी। तो भाई उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते जाना, और तुमको ये ट्रेलर कैसा लगा ये भी मुझे जरूर से बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।